वॉइस नहीं आ रही। तो हम लोग साइटोसिन का स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिसमें ये इधर नाइट्रोजन है, इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये फोर्थ कार्बन, यानी हरदम याद रखना कि जो ऊपर वाला कार्बन होता है उस पर बेटा यहाँ पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट। यूजुअली अमीन ग्रुप ऊपर की तरफ ही दिखाते हैं, तो यहाँ पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है कार्बोनाइल ग्रुप। किसका अपोजिट हो गया बच्चा? ये ग्वानिन का अपोजिट हो गया। ग्वानिन में कार्बोनाइल यहाँ था और अमीन यहाँ था और वो 9 मेंबर रिंग था। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पर और अमीन ग्रुप प्रेजेंट है फोर्थ कार्बन पर। अब हम लोग ले लेते हैं कि डबल बॉन्ड किधर किधर लगेंगे बच्चा। तो अगर अपन डबल बॉन्ड का देखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 चारों बॉन्ड है सेटिस्फाइड है। ये 1, 2 तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा बच्चा, तो 1, 2, 3 और ये 4 हो गया, और ये भी 1, 2, 3 और 4 हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आई, दो जगह पे डबल बॉन्ड आया, 3 और 4 नंबर के बीच में, 5 और 6 नंबर के बीच में। तो इस तरह से ये अपना हो गया किसका स्ट्रक्चर? साइटोसिन का स्ट्रक्चर। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द यूरेसिल। अब आप कहोगे मैम थाइमिन पहले बनाओ, नहीं पहले मैं यूरेसिल का बनाऊंगी। तो नेक्स्ट हम लोग जो बना रहे हैं वो यूरेसिल का बनाएंगे। यूरेसिल इज ऑल्सो अ पाइरिमिडिन, तो नेचुरली ये भी कितना मेंबर्ड है? 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। हम लोग बनाते हैं कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन और ये कार्बन से अटैच कर दिया, ठीक है जी। नंबरिंग वो ही चलेगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबरिंग भी बिल्कुल सेम चल रही है बच्चा। 1 मिनट आकांक्षा क्लास में आ, ओके। अब बात आती है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज प्रेजेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर जहाँ पे डाउट आती है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, ओके। रिकॉर्ड कर रही हूँ बच्चा, अगर डाउट आती है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें आएगी, वॉइस भी आएगी और क्लियर भी आएगा, ओके। क्योंकि मेरा डायरेक्ट इधर से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब बात आता है यूरासिल में, हम देख रहे हैं कि इस कार्बन पर फोर्थ पर और सेकेंड पर, सॉरी फोर्थ और सेकेंड दोनों कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। दोनों कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग में 1, 2, 3, 4 बैलेंस है, सॉरी यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 बैलेंस है। तो यहाँ पे नेचुरली हम लोग इधर जो ये नाइट्रोजन है इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच कर, क्योंकि मैं यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और वो डबल बॉन्ड वाला 5 ना, मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा सॉरी ना मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। इसलिए हम इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन इसके बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है बच्चे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड हो गया तो नेचुरली 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, और इस नाइट्रोजन पर तो बेटा आना ही है। वन नाइट्रोजन पर तो हरदम याद रखना हाइड्रोजन अटैच ही होगा। उसके पीछे रीजन बताऊंगी कि वन नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अटैच क्यों रहेगा इन केस ऑफ पाइरिमिडिन, क्योंकि पाइरिमिडिन जो अटैच होते हैं पेंटोज शुगर के साथ वो फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं, उसके फर्स्ट कार्बन और इसका फर्स्ट नाइट्रोजन। और प्यूरीन्स में मैम पेंटोज के आपकी साथ, वीडियो कॉल हो गई। बेटा मेरे इसमें क्लियर आएगी, मैं बता रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रही हूँ, अगर कहीं पे होती है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उस हिस्से को देख लेना जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है बेटा। तो अब बात आती है कि ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चा किसका? यूरासिल का। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं किसका स्ट्रक्चर बच्चा? थाइमिन। अब देख, थाइमिन
थाइमिन का मैंने क्या नाम बताया था? कल मैंने थाइमिन का कुछ नाम बताया था आप लोगों को, फाइव मिथाइल यूरेसिल। फाइव मिथाइल तो इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी बच्चा? इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले मैं यूरेसिल का डायग्राम ड्रॉ कर, तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और वन टू थ्री, और ये एच। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब हमारे पास बच गया है क्या नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, मैंने ये यूरेसिल बनाया। अब मुझे इसको थाइमिन में कन्वर्ट करना है, तो थाइमिन में कन्वर्ट करना है यानी मुझे फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करना। अब ये फिफ्थ कार्बन पे से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया क्योंकि यूरेसिल में तो यह हाइड्रोजन था, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, सी एच, इसकी जगह मैंने लगा दिया सी एच थ्री। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, थाइमिन का। तो ये तीनों आपके क्या है, पाइरिमिडीन है, साइटोसिन थाइमिन, ये दोनों डीएनए में मिलते हैं, और यूरेसिल जो है ये आरएनए में मिलता है। अब बच्चा कई बार क्वेश्चन क्या बन जाता है, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस कैन कंबाइन ओनली विद द राइबोस शुगर, कौन सा नाइट्रोजनस बेस कैन कंबाइन ओनली विद द राइबोस शुगर, ओनली विद, ओनली विद, तो आपका आंसर आएगा यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि साइटोसिन कैन कंबाइन विद डीऑक्सीराइबोस शुगर, है ना, एज वेल एज राइबोस शुगर। जो साइटोसिन है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ भी जुड़ता है और राइबोस के साथ भी जुड़ता है। अभी हो सकता है ये चीज जो मैं बोल रही हूँ वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अभी आगे जब अपन करेंगे तो ये चीज आगे समझ में आ जाएगी। तो ये हो गए बेटा हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। मैम प्लीज रिपीट कर दो, राइबोस किसके साथ? मैंने देखो इस, मैं आपको बताती हूँ हम क्या कहते हैं कि आरएनए में यूरेसिल होता है इंस्टीड ऑफ थाइमिन, यही वर्ड होते हैं। यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो केवल और केवल राइबोस के साथ जुड़ सकता है। यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो केवल और केवल राइबोस शुगर के साथ जुड़ सकता है। यूरेसिल